नए वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल की बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे सब्सक्राइब बटन को दबा के आप सब्सक्राइब कर लो और घंटे के आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि चैनल के सब वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिले आपको। दोस्तों फिर से आप सभी का स्वागत है टेक गुरु चैनल पर और मैं हूँ आपका दोस्त टेक गुरु। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, होप आप सब लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। दोस्तों पक गए यार ये कोविड के चक्कर में ना, घर पे बैठ के पक गए होंगे आप, बहुत बोर हो गए होंगे। मुझे पता है यहाँ पे भी ऐसा ही हाल हुआ था। पहले तकरीबन 3 महीने तो यहाँ पे भी सारा बंद था, मैं भी बहुत तंग हो गया था घर बैठ बैठ के बोर होके। इतनी सारी वेब सीरीज मैंने देखी, इतनी सारी मूवीज मैंने देखी है दोस्तों। जब मुझे कन्फ्यूजन होता था कि अब अगली वाली कौन सी मूवीज मैं देखूँ, तब मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता था कि दोस्तों मुझे सुझाव दे कौन सी अगर अच्छी वेब सीरीज है तो मुझे बताएं। ठीक है, चलो इस टॉपिक के ऊपर आज हमने बात नहीं करनी है, आज हम लोग बात करेंगे सेल्स जॉब के ऊपर। ठीक है, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है और उनको दुबई आना होता है। ठीक है, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो फ्रेशर होते हैं और फ्रेशर को तो यहाँ पे उनका कोर जॉब नहीं मिलता है। जैसे कोई अगर आईटी इंजीनियर है, कोई अगर सिविल इंजीनियर है और वो एज अ फ्रेशर है तो उसको यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है। दोस्तों दुबई में अगर आपको जॉब करना है, कोर जॉब कोई भी करना है, तो यहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस हाल में वो लोग यहाँ पे सेल्स जॉब जो है वो कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि सेल्स में कौन सा क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 15-16 पॉइंट्स निकाले हैं, 15-16 सेल्स जॉब निकाले हैं, वहाँ पे आप कर सकते हो अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं सेकेंड पार्ट बनाऊँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसके नीचे कमेंट भी कीजिए कि आपको अगर अच्छा लगे तो मैं सेकंड पार्ट जरूर बनाऊंगा इसका। ठीक है, तो पहले तो मैं बात करूंगा कि अगर आपको सेल्स जॉब पाना है तो क्या क्या पॉइंट्स आपके पास होने जरूरी है। सेल्स जॉब पाने के लिए आपका कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल मतलब आप अच्छे से बात कर सकते हो, अच्छे से किसी को समझा सकते हो, ये पॉइंट आपके पास होना चाहिए। दूसरी बात ये, आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल हाई होनी चाहिए, और कॉन्फिडेंस नहीं कॉन्फिडेंस। ठीक है, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, मैं बहुत अच्छी नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए बस। अच्छे से आपका जो भी आउटफिट हो वो अच्छा होना चाहिए, आप प्रेजेंट कर रहे हो वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो आपकी पर्सनैलिटी जो है वो थोड़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको काम करना है दोस्तों, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस को बहुत अहमियत दी जाती है। अगर आपके पास कोई इंडियन एक्सपीरियंस है, ठीक है, सेल्स का, तो यहाँ पर आपको उसका बहुत यूज़ होगा। ठीक है, उसके बाद काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि सर सेल्स जॉब के लिए क्या एजुकेशन चाहिए। तो इसके लिए कोई एजुकेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है सेल्स जॉब के लिए ज़्यादा। वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपकी पर्सनैलिटी ही बहुत मायने रखती है। ठीक है, मैंने काफ़ी सारे लोग ऐसे देखे जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इवन उन्होंने ट्वेल्थ किया होता है और वो अच्छे अच्छे सेल्स जॉब पर वो लोग जॉब कर रहे हैं। ठीक है, अब ये हो गए कंटेंट की सेल्स जॉब पाने के लिए यहाँ पे। ये अब आप पूछेंगे सर इसमें सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा। अभी सैलरी जो है होती है वो कंपनी के ऊपर डिपेंड होती है, मगर आपको एक मैं मिनिमम सैलरी बता देता हूँ, उसके आगे ही आपको सैलरी मिलेगी। जो सेल्स जॉब होता है दोस्तों उसकी सैलरी मिनिमम 2000 होनी जरूरी है, 2000 दिरहम्स। ठीक है, अगर आपको कोई भी बंदा 1000 सैलरी ऑफर कर रहा है, 1500 सैलरी ऑफर कर रहा है, या कोई आपको बोल रहा है कि आप मेरे साथ कमीशन बेसिस पे काम करो, कमीशन बेसिस पर जॉब करो, तो उसको साफ आप इनकार कर दीजिए, मुझे नहीं करना है बोलिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप इतना दूर काम करने के लिए आया और इस तरीके से चिल्लर सैलरी अगर आपको कोई ऑफर कर रहा है तो आप इसको साफ इनकार करो। उसको बोलो तुम यहाँ पे आए थे तब तुमने 1000 सैलरी पे काम किया था, ये थोड़ा सा मुझे बताओ तो फिर मैं करता हूँ, आपकी सैलरी कितनी है, आप कर सकते हो इतनी सैलरी में। ठीक है, साफ साफ इनकार करें इस सैलरी पे आपने काम नहीं करना है। ठीक है, मिनिमम सैलरी 2000 होनी जरूरी है, तब आप थोड़ा सा बचा सकते हो, सेविंग हो सकती है और पैसे आप यहाँ से कुछ घर पे भेज सकते हो। ठीक है, काफ़ी सारे यहाँ पे सेल्स के लिए जॉब्स होते हैं दोस्तों, जैसे कि एक हो गया क्रेडिट कार्ड सेल्स, यहाँ पे बहुत चलता है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड जो है वो काफ़ी सारे लोग आउटडोर सेल्स भी करते हैं, मतलब हर ऑफिस में जाके उसकी इन्फॉर्मेशन समझाना,
या कॉल करके, इंडोर सेल्स भी होता है, कॉल करके लोगों को बताना कि हम लोग क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहे हैं। इसमें इंडोर आउटडोर दोनों सेल्स है दोस्तों। उसके बाद होता है परफ्यूम सेल्स। यहाँ पे परफ्यूम्स की काफ़ी सारे शॉप्स होती है, हर जगह पे आप देखोगे, मॉल्स में अगर जाओगे तो उसका होता है आउटडोर सेल्स। आउटडोर मतलब आउटडोर भी नहीं, सॉरी इंडोर सेल्स होता है, मतलब आपने शॉप के सामने खड़े होके या शॉप में ही आपने वो परफ्यूम बेचना होता है। आपने कहीं पे जाना नहीं है शॉप टू शॉप या घर टू घर की ये ले लो परफ्यूम ये ले लो, ठीक है, शॉप पे ही खड़े होके इंडोर सेल्स ही होता है इसका भी। उसके बाद होता है पोस्ट पेड सिम कार्ड सेल्स, ठीक है, यहाँ पे भी पोस्ट पेड जो है वो काफ़ी चलते हैं, तो वो भी इंडोर सेल्स होता है दोस्तों, और आउटडोर सेल्स भी होता है उसमें भी। तो इंडोर में आपने कॉल करके बताना है कि सर आपका जो है वो प्रीपेड सिम कार्ड है वो अगर आप पोस्ट पेड में कन्वर्ट करते हो तो आपको ये ऑफर मिलेगी, आपको पता होगा इसके बारे में, जो जिन्होंने काम किया है सेल्स में उनको ये अच्छे से पता होता है, ठीक है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक सेल्स होता है दोस्तों, काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक शॉप है यहाँ पे है, तो इंडोर होता है उनका कि लाइक वहाँ पे आप जब जाते हो तो वो लोग वहाँ पे खड़े होते हैं, जैसे आप किसी मॉल में गए थे टीवी रेफ्रिजरेटर ये वो, तो वो लोग आपको बताना शुरू कर देते सर इसमें ये फैसिलिटी है, ये स्मार्ट टीवी है, ये 7 kg का वॉशिंग मशीन है, इस तरीके से। तो इलेक्ट्रॉनिक सेल्स को भी यहाँ पे बहुत स्कोप है, ठीक है। उसके बाद रियल इस्टेट सेल्स है, इसमें दो चीज़ें आती है, दो बातें आती है दोस्तों रियल इस्टेट में, एक होता है रेंट और एक होता है सेल। यहाँ पे रेंट का बहुत चलता है, ठीक है, मतलब एक फ्लैट रेंट पे देना है, एक स्टूडियो रेंट पे देना है, एक शॉप रेंट पे देना है, इस तरीके से बहुत चलता है। तो ये अगर आप करते हो तो यहाँ पे भी आपको अच्छी सैलरी प्लस अच्छा कमीशन मिल जाता है। यहाँ पे फ्लैट सेल पे भी होते हैं दुबई में, ठीक है, वो भी अगर आप सेल करते हो तो उसमें तो बहुत अच्छा कमीशन आपको मिल जाता है, ठीक है। इसके ऊपर मैं डिटेल एक रियल इस्टेट सेल्स के ऊपर एक वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा। उसके बाद होता है क्लीनिंग कंपनी के प्रोडक्ट का सेल, जैसे कि अभी जो है ना मास्क बहुत चल रहे हैं, तो आप उसको भी सेल कर सकते हो अगर आप किसी कंपनी के थ्रू हो, तो ग्लव्स सेल कर सकते हो, क्लीनिंग कंपनी रिलेटेड जो भी सैनिटाइजर होता है, क्लीनिंग के लिए जो केमिकल्स होते हैं, डेटॉल होता है, ये आप सेल्स कर सकते हो, ठीक है। उसमें भी इंडोर आउटडोर सेल्स है, मतलब कॉल करके भी सेल करो, डोर टू डोर जाके शॉप में भी आप सेल करो, चलेगा वो भी, दोनों भी सेल्स है इसमें, ठीक है। फिर होता है ISO सर्टिफिकेशन सेल्स, उसके भी काफ़ी सारे कॉल, ये होता है इंडोर सेल्स, इसके लिए आपको आउटडोर जाने की ज़रूरत नहीं है। ISO सर्टिफिकेशन हर कंपनी को यहाँ पे लोग लेते हैं, ठीक है, हर कंपनी के पास नहीं है मगर काफ़ी कंपनियाँ लेते हैं। तो ये क्या होता है, ये उन लोगों को पता है जो लोग इस फील्ड में काम करते हैं, ठीक है, डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। तो ISO सर्टिफिकेशन का भी सेल जो है वो इंडोर होता है, कॉल करके वो लोग हर कंपनी को कॉल करते हैं कि आपको अगर ISO सर्टिफिकेशन चाहिए तो वी विल प्रोवाइड, ठीक है। उसके बाद लोन बहुत चलता है दोस्तों, लोन का सेल्स यहाँ पे बहुत चलता है, वो भी इंडोर आउटडोर दोनों तरीके से है, कॉल करके भी आप उसका सेल्स कर सकते हो कि सर आपको अगर लोन चाहिए तो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, आपकी सैलरी कितनी है क्या है, यहाँ पे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते हैं दोस्तों लोन अगर आपको लेना है तो, ठीक है। और आउटडोर सेल्स भी होता है, लाइक वो लोग खुद बाहर जाके ऑफिस टू ऑफिस जाके बताते कि हम लोग लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आपको चाहिए तो हम आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनियों में यूनिफॉर्म होते हैं, क्लीनिंग कंपनी का हो गया, सलून का हो गया, तो वो लोग भी टू टाइप्स का सेल्स होता है यूनिफॉर्म का, कि वो लोग खुद कॉल करते हैं कि आपको सर कंपनी के लिए यूनिफॉर्म चाहिए क्या, आपके क्लीनर्स के लिए यूनिफॉर्म चाहिए क्या, आपके सलून के लड़कियों के लिए यूनिफॉर्म चाहिए क्या, आपके जो भी स्टाफ है उनके लिए कोई यूनिफॉर्म चाहिए क्या। काफ़ी लोग अपना लोगो वाला टी शर्ट्स बनाते हैं, इस तरीके से ये सेल्स भी बहुत अच्छे तरीके से चलता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आजकल ये बहुत चल रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, जैसे ही ये कोविड आ गया, वेबसाइट सेल्स, ठीक है, ये भी दोनों तरीके से, कॉल करके भी लोग बोलते हैं सर आपकी वेबसाइट नहीं है, आपको वेबसाइट चाहिए क्या, अगर चाहिए तो हम लोग अच्छी ऑफर में आपको बना देंगे। काफ़ी सारे लोग आपके ऑफिस में आके आपको बताते हैं कि हम लोग जो है वो वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी है, वो वेबसाइट सेल्स हो गया, ठीक है, ये बहुत चल रहा है आजकल यहाँ पे। उसके बाद SEO सेल्स, ठीक है, जो लोग IT में काम कर रहे हैं उनको पता है SEO क्या होता है, ये भी सेल्स यहाँ पे इंडोर और आउटडोर चल रहा है बहुत सारा, कि आपकी वेबसाइट अगर गूगल में टॉप में नहीं आ रही है तो हम लोग ला के देंगे आपको, इस तरीके से ये SEO होता है।
तो ये भी यहाँ पे चल रहा है। फिर आईटी सेल्स भी यहाँ पे बहुत चल रहा है, आईटी में दोनों भी आता है। फिर लाइक आपका सॉफ्टवेयर हम लोग बना के देंगे, अगर आपको अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर चाहिए तो वो हम बना के देंगे, आपको POS सिस्टम चाहिए तो वो हमको बन आपको बना के देंगे, आपके ऑफिस में प्रिंटर चाहिए तो वो हम आपको देंगे, आपके ऑफिस में CCTV चाहिए तो वो हम लगा के देंगे। इस तरीके से काफ़ी सारे लोग जो है ना आपके ऑफिस में कॉल भी करते हैं और आपके ऑफिस में खुद पर्सनली भी आते हैं कि आपको चाहिए तो हम लोग दे सकते हैं। आईटी रिलेटेड प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, लैन हो गया, आपके कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम हो गया, ये सारा करके वो लोग देते हैं। ठीक है, उसके बाद हो गया ऑटोमोबाइल सेल्स। यहाँ पे कारों का बहुत शौक है लोगों को। ठीक है, लोग यहाँ पे दो दो तीन तीन साल बाद जो है ना कारें अपनी चेंज करती है, तो ऑटोमोबाइल सेल्स भी यहाँ पे बहुत अच्छा चलता है दोस्तों। इसमें भी आपको अगर अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे जरूर ट्राई करें। ठीक है, उसके बाद है इंश्योरेंस सेल्स। इंश्योरेंस भी यहाँ पे हर किसी को होता है, फॉर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा इट्स कंपलसरी इन अबू धाबी UAE। ठीक है, उसके बाद हर कोई किसी व्हीकल को यहाँ पे इंश्योरेंस होता है दोस्तों। अगर आपके पास कार है तो उसका इंश्योरेंस जब तक नहीं होगा तब तक वो कार आप रिन्यू नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आज आपको बताया है। इस सेल्स फील्ड में अगर आप काम कर सकते हो तो यहाँ पे अच्छा खासा इसको स्कोप है दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर बताना, शेयर ज़रूर कीजिए इस वीडियो को, दूसरे लोगों को भी पता चले। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, और अगर आप नए सब्सक्राइबर हो तो मेरे पिछले वाले वीडियोज़ ज़रूर देख लीजिए। बाय बाय।